कौन है ये, कौन है ये? अबे मच्छर, अबे मच्छर, सोच के आगे, जुर्म के पीछे। कितना हुआ? 150 रुपया। 150 रुपये? ये लो 100 रुपये। 150 रुपये हुआ साहब। ठीक है चलना। अरे मंगू कहाँ रह गया? पर आपने तो 2 बजे का टाइम दिया था। हाँ दिया तो था, कहीं सो तो नहीं गया वो मंगू? कहाँ मर गया मंगू तू? अरे ऐसे कैसे हो सकता है, तूने गाड़ी की सर्विसिंग नहीं करवाई थी क्या? कमाल करता है मंगू तू भी। चल देखता हूँ मैं कि मुझे क्या करना है। मरवा दिया इसने तो। क्या हुआ? गाड़ी खराब हो गई है। इस तरह अचानक से? अरे वही तो मैं सोच रहा हूँ, घर जाके देखते हैं क्या होता है। तुम यहीं पर वेट करो, मैं टैक्सी लेके आता हूँ। ये लो आ गई टैक्सी। टैक्सी कहाँ जाएंगे साहब? श्याम नगर चलोगे? क्यों नहीं चलेंगे सर। थैंक यू, आओ। अरे ये कैसे गाड़ी चला रहे हैं? अबे पी रखी है क्या? मरने के लिए मेरी गाड़ी मिली थी। अबे मुंह बंद कर। भाई साहब आपको पैसे चाहिए ना? पैसा जेवर जितना माल है सब निकाल, जल्दी निकाल। बोलो ना जितना माल है, जल्दी ढीला कर। ये क्या कर रहा है? इन गुंडों से डर रहे हैं आप? अरे जेवर जान से ज्यादा कीमती नहीं है, थोड़ा जल्दी सीख, पति से कुछ सीख, समझ रही है ना तू? ये लीजिए भाई साहब, जल्दी दोनों प्लीज। सुनी पति की बात, चल जल्दी निकाल माल। पत्नी से ज्यादा पति समझदार है। चल फटाफट नेकलेस दे। ये लो भाई साहब। निकाल नेकलेस दे, नेकलेस जल्दी। ये लो भाई साहब। पर्स पर्स। शाबाश। ले लो सब, अब तो हमें जाने दीजिए प्लीज। तेरी बीवी ने अभी तक मंगलसूत्र नहीं दिया है। निकाल प्लीज, दे दो। आखिरी बार बोल रहा हूँ, मंगलसूत्र दे दे। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा, मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगा। मर दे इसे। अरे कहां भाग गई वो? उस तरफ। ए लड़की भागती कहां है? रुक उस तरफ। रुक जा, चल पकड़। रुक जल्दी, रुक रुक लड़की। चल भाग। हाँ निकलते हैं जल्दी। हाँ चल चल निकल जल्दी। अंकल मदद कीजिए ना मेरी। क्या हुआ बेटी? मेरे पास ज्यादा वक्त नहीं है, वो सीडिया को फोन कीजिए ना प्लीज। सीआईडी? तुम्हारा मतलब सीआईडी से है क्या? हाँ वही सीआईडी। अंकल प्लीज वो सीआईडी को फोन कीजिए ना। ठीक है अभी करता हूँ। हेलो सीआईडी। देखिए अपने आप को संभाले। चलो कम से कम ये तो पता चल जाएगा कि गोली कौन से गन से चली है। सर ब्रीफकेस में जितनी भी ज्वेलरी थी सब गायब है, सिर्फ कपड़े ही हैं।
उसका पॉकेट भी खाली है। हाथ पे उंगली का निशान है, मतलब हाथ पे जो था वो भी सब निकाल के ले गए। और इनका मंगलसूत्र भी ले गए। लगता है खून लूटपाट के लिए किया गया है। ले जाओ। एक बात देखिए, टैक्सी की पिछली सीट पे खून है, आगे वाली सीट पे बिल्कुल भी खून नहीं। सर लगता है टैक्सी ड्राइवर भाग गया होगा। पता करते हैं। गोपी आपने बहुत बहादुरी का काम किया है। एटीएम वाले अंकल को आपने ही बोला था ना हमें फोन करके बुलाने के लिए? हाँ। अब आप लोग बिल्कुल मत घबराइए, हम लोग आ गए। साहब अपने सब लोगों ने क्यों मारा? इनका क्या दोष था? प्रीति का क्या होगा? मेरे भैया ने किसी का क्या बिगाड़ा था? हम आपकी तकलीफ समझते हैं, हम इन कोनियों को जल्द से जल्द पकड़ेंगे और इन्हें सजा दिलवाएंगे। गोपी आप ये बताओ कि कितने लोग थे? वो दो लोग थे, मोटरसाइकिल पे थे। एक ही मोटरसाइकिल पे थे या? एक ही मोटरसाइकिल पे थे। उनका चेहरा देखा आपने या चेहरा ढका हुआ था? उनका चेहरा ढका हुआ था, हेलमेट से। और कुछ देखा आपने? नहीं, वो लोग गोलियां चला रहे थे। मैं बहुत डर गई थी और किसी भी तरह टैक्सी से प्रीति को निकाल कर यहाँ से भाग निकली। अच्छा ये ड्राइवर कहाँ गया आपने देखा? उसे गोली लग गई थी। ड्राइवर को भी गोली लगी थी? मेरे सामने उसे गोली लगी थी। सर आगे दोनों सीट पे खून का निशान तक नहीं। ये तो मैं भी वही सोच रहा हूँ। गोली लगी थी तो फिर खून क्यों नहीं है? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि टैक्सी ड्राइवर जख्मी हालत में कहीं भाग गया? वेक अगर जख्मी हालत में भागता तो सड़क पे कहीं तो खून की बूंदें होती, यहाँ तो कुछ भी नहीं। गोपी ये टैक्सी अंकल ने कहाँ से ली थी? स्टेशन के बाहर से ली थी। मंगू ने साहब को बोला था कि गाड़ी खराब हो गई है तो सामने टैक्सी लेने की सोची। मंगू कौन है? हमारे साहब का ड्राइवर। तो गाड़ी खराब हो गई थी इसलिए अंकल ने टैक्सी ली? जी। कहाँ रहता ये मंगू? हमारे घर के बाहर ही खोली है उसकी। चलो जरा इस मंगू से मिला जाए। मैं तो खुद दुखी हूँ साहब, दिवाकर साहब जैसे अच्छे आदमी को भी। तुम ये बताओ ये गाड़ी अचानक कैसे खराब हो गई? वही तो मैं भी सोच रहा हूँ। ये सोचना बंद करो समझे, ये गाड़ी खराब नहीं हुई है, जानबूझ के खराब की गई है ये कार, शायद तुमने की है। मैंने? आज तुमने? मैंने कुछ नहीं किया, मेरा यकीन कीजिए साहब। कुछ नहीं किया तो फिर ये गाड़ी ठीक उसी वक्त कैसे खराब हुई जब तुम्हें दिवाकर साहब को स्टेशन लेने जाना था? पता नहीं साहब। पता नहीं, जरा गाड़ी का इंजन चेक करो। चाबी तो ये देखिए, किसी ने बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की। ये वायर के साथ छेड़छाड़ किसने की है? सब ये कैसे हो गया? हम तुमसे पूछ रहे हैं और तुम ही से पूछ रहे हो। मुझे कुछ नहीं पता साहब। जब कोई वायर के साथ छेड़छाड़ कर रहा था तो तुम सो रहे थे क्या? हाँ साहब, मैं सो रहा था। बोल भी रहा है। सर अगर किसी ने इस बैटरी के वायर के साथ छेड़छाड़ की है और ये बोनट जबरदस्ती खोला था तो सर गाड़ी का अलार्म जरूर बजा होगा ना? हाँ, पर साहब मैंने तो कोई अलार्म नहीं सुना। इसका मतलब खूनी ने गाड़ी चाबी से खोली है। चाबी तो मेरे पास रहती है। और डुप्लीकेट चाबी? डुप्लीकेट चाबी घर में। घर में कहाँ है, दिखाओ। चलो आइए सर, आइए। चाबी कहाँ है? सर इस कमरे में। ये सब क्या है? सर सामान बिगड़ा पड़ा है। अब ये मत बोल देना कि इसके बारे में भी मालूम नहीं है तुमको। नहीं साहब, मुझे कुछ नहीं पता।
अच्छा ठीक है, वो दूसरी चाबी कहाँ है? हाँ सर, वो चाबी ड्रॉर में है। चाबी गायब है। चाबी गायब है? सर इसका मतलब चाबी घर के अंदर से चुराई गई है। ना विवेक, चाबी यहाँ घर के अंदर से ही चुराई है। कैसे? ये देखा, लॉक टेंपर किया गया है। वो आदमी यहां से अंदर आया था, पूरा कमरा उथल पुथल कर दिया। सिर्फ चाबी चुराने आया था या फिर कोई और चीज भी है जिसके पीछे पड़ा था? सर हो सकता है वो लोग कोई जरूरी कागजात भी चुराने आए। हाँ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन कौन सा कागज था? ये डिस्ट्रैक्शन का इंचार्ज कौन है? ओ ₹1,000 फाइन। किस बात का साहब? ये कोई थूकने की जगह? अरे साहब ये सिंगापुर नहीं है, ये इंडिया है। इंडिया इंडिया है इसीलिए बोल रहा हूँ। सिंगापुर में कागज का एक छोटा सा टुकड़ा भी सड़क पे फेंकेगा तो ₹50,000 फाइन है। पान खा के थूकने की बात तो भूल ही जा तू। अरे यार ये सुबह सुबह फोन आ गया भाषण देने के लिए। एक बार फिर तेरे मुंह से पिचकारी निकले ना, सेकंड टप पे मिटा दूंगा, समझा? अब कौन है साहब? सीआईडी। सीआईडी पर रहेगा? नहीं साहब, आज के बाद में मिट जाओ। पान नहीं खाऊंगा साहब। टैक्सी नंबर ZAP12B357 इसी टैक्सी स्टैंड में रजिस्टर्ड है ना? ZAY12B357। हाँ साहब, इस टैक्सी का तो बहुत बवाल हुआ है साहब, पता नहीं टैक्सी कहाँ चली गई। मैंने फोन करके ड्राइवर से पूछा नहीं कहाँ गई? किया था सर, लेकिन बिट्टू फोन ही नहीं उठा रहा है सर। फोन नहीं उठा रहा? ये बिट्टू रहता कहाँ? बिट्टू ड्राइवर को अगर गोली लगी थी तो ड्राइवर के सीट पे फोन के निशान होने चाहिए थे, कम से कम लाश तो मिलनी चाहिए थी हमें। और थोड़ा किसी हॉस्पिटल में भर्ती तो होना चाहिए था, किसी भी हॉस्पिटल से कुछ पता नहीं चला। ये है 432B। लगता है बिट्टू को टीवी देखने का बड़ा शौक है। गोली लगने के बाद भी टीवी देखने में इतना मस्त हुआ पड़ा है कि उसे घंटी की आवाज तक सुनाई नहीं दे रही है। तो तुम बजाओ घंटी, शायद तुम्हारे हाथ से सुन ले। तुम्हारे बजाय हुई घंटी तो अच्छे अच्छों को हिला देती है। अच्छा ये बात है। सचिन बेड़ी की घंटी बजाने के बाद उसने दरवाजा नहीं खोला? फिर सर देर किस बात की? हटो। पल चल रही है, बेहोश है ये। इस सर पे चोट लगी है, शायद इसकी वजह से बेहोश हुआ। पानी मारो। ए, लगता है वही गुंडे होंगे जिन्होंने दिवाकर को मारा। हाँ वही है। ए, ठीक हो? आप लोग कौन हैं? घबराओ नहीं, हम लोग सीआईडी से हैं। तुम बताओ यहाँ क्या हुआ? मैं खाना खा रहा था, अचानक किसी ने मेरे सर के पीछे मारा और मेरे आंखों के सामने अंधेरा छा गया। कब हुआ ये? कितने बजे? रात के 8:15 बज रहे थे, मैं ड्यूटी पे जाने वाला था। इसका मतलब कल रात तुम टैक्सी चलाने नहीं गए थे? मैं तो आपके सामने होश में आया। ओह, मतलब उन बदमाशों ने पहले दिवाकर की कार खराब की, उसके बाद जब दिवाकर इसकी टैक्सी में आके बैठा तो उसका ड्राइवर तो पहले से बेहोश पड़ा था। मतलब सर सब कुछ नकली था? हाँ फ्रेडी, वो टैक्सी का ड्राइवर भी नकली था, कोई गोली वोली नहीं चली। ये फोरेंसिक रिपोर्ट के हिसाब से तो टैक्सी में सिर्फ दो तरह के खून है, एक दिवाकर का, दूसरा उसकी वाइफ का।
टैक्सी ड्राइवर का खून था ही नहीं टैक्सी में, तो रिपोर्ट में कहां से आएगा? अब अगर गोपी कह रही थी ना, उसने देखा है टैक्सी ड्राइवर को गोली लगते हुए। यार अब ये कौन सी गोली है जो लगे भी और खून भी ना निकले? सर दिवाकर के बारे में काफी कुछ पता चला सर। क्या पता चला? वो सरकारी नौकरी करता था, ये सड़कें और हाईवे वगैरह बनवाने का काम करता था। सड़कें और हाईवे, मतलब ये कोई बड़ा चक्कर है पैसों का? चक्कर तो है पैसों का, लेकिन अलग तरीके का। अलग तरीके का मतलब? ये देखो इस दिवाकर के नाम पे तो करोड़ों के जमीन जायदाद है, करोड़ों का मालिक था ये। करोड़ों की जमीन जायदाद इसके नाम पे है तो फिर ये सरकारी नौकरी क्यों कर रहा था? क्या मालूम, आजकल हर एक मिनट में जमीन जायदाद के लिए खून हो रहे हैं, कहीं ये खून भी उसी वजह से तो नहीं हुआ? Okay. सर स्केच बन गया सर। बन गया? अरे वाह, गोपी ने इतनी जल्दी स्केच बनवा भी दिया, कमाल है। मैं हमेशा बोलता हूँ लड़कियां लड़कों से ज्यादा होशियार हैं यार। ये बात तो है। अच्छा गोपी ध्यान से देखो, ये वही टैक्सी ड्राइवर है? हाँ साहब यही था। देखो गोपी, प्रीति तो रोमा बुआ के पास है, तो आप भी वहीं चली जाओ। प्रेडी इनको वहीं छोड़ दो। आप जाएंगी प्रेडी अंकल के साथ? हाँ, ये मुझे बहुत अच्छे चुटकुले सुनाते हैं। प्रेडी ने हमें तो कभी चुटकुले नहीं सुनाए। मेरे चुटकुले सुन के आप लोगों को रोना आता है, इसीलिए नहीं सुनाता। अच्छा अच्छा ठीक है, तुम गोपी को ही सुनाओ, जा बेटा। चलो चलो चलो, रास्ते में मैं तुझे अच्छे अच्छे चुटकुले सुनाऊंगा। निकले काम को, जरा अपने रिकॉर्ड में चेक करो। देखो ये टैक्सी ड्राइवर कोई पुराना पापी है क्या? शायद पहले कोई गुनाह किया हो। सब बेचारी गोपी का एक ही सहारा था ये परिवार, अब वो भी गया। हम लोग कुछ करेंगे उसके लिए। हाँ जी कुछ करना चाहिए। सर हाँ निकल। सर इस आदमी के बारे में पता चल गया है, इसका नाम विनोद है, चोरी के जुर्म में 3 बार जेल भी जा चुका है। 3 बार जेल जा चुका है। एड्रेस भी है इसका, 107 विद्याधर नगर। ये नौकर? हाँ सर ये होगा। चलो देखते हैं। कौन है? आप? ये विनोद है घर में। विनोद? पर आप लोग कौन है? हम लोग सीआईडी से। सीआईडी? आप विनोद की माँ है? हाँ मैं ही वो अभागी माँ हूँ जिसे अपने ही बेटे को बेटा कहने में शर्म आती। विनोद चोर कैसे बना? तुम सीआईडी ऑफिसर कैसे बने? है इसका कोई जवाब? नहीं। वही, बचपन में दूसरों के खिलौने चुराया करता था, सोचा बच्चा है समझ जाएगा, पर बड़ा होके बड़ी बड़ी चोरियां करने लगा, बड़ा चोर बन गया। आपका बेटा विनोद अब चोरी से भी बहुत आगे निकल गया है, खूनियों के साथ मिल गया है। खूनियों के साथ? जी हाँ, कल रात एक पति पत्नी का खून हो गया। मगर विनोद का उनसे क्या संबंध है? विनोद उन खूनियों के साथ मिला हुआ है। हे भगवान, अब तो यही दिन देखना बाकी रह गया था। अच्छा हुआ विनोद के बाबा ये दिन देखने के लिए जिंदा नहीं रहे, वरना वो तो जीते जी मर जाते थे। ये विनोद कहाँ है? घर में तो नहीं है? 2 साल से वो आया ही नहीं है। 2 साल पहले आपके पास कोई फोन नंबर वगैरह छोड़ के गया क्या? नंबर तो नहीं छोड़ा, पर उसकी चिट्ठियां आती रहती है। वो चिट्ठियां है या हार्ड? हार्डूंगी कैसे बोले, वो चिट्ठियां एक ही तो निशानी है मेरे बेटे की, सीने से लगा के रखी है। क्या हम वो चिट्ठियां देख सकते हैं? मैं लाती। ये विनोद तो बड़ा ही गिरा हुआ इंसान है, अपनी मां तक का ख्याल नहीं किया उसने। ये लीजिए। ये चिट्ठियां हम अपने पास रख सकते हैं? ले जाओ बेटा, मगर अगर विनोद मिल जाए तो उससे कहना हो सके तो अपनी माँ की चिता को आग देने जरूर आना।
हेलो ऑफिसर, आई एम मकरन, दिवाकर का दोस्त, वकील, सलाहकार, जो भी कहिए सर। लगता है दिवाकर जी के साथ आपका काफी करीबी रिश्ता था। खून से बढ़कर रिश्ता था। खून के रिश्ते तो आजकल पानी की तरह पतले होने लगे हैं। जमीन जायदाद के चक्कर में एक भाई अपने भाई का ही खून कर देता है। आप लोगों को लगता है कि दिवाकर का खून जमीन जायदाद की वजह से हुआ है? दिवाकर की काफी जमीन है ना, शायद करोड़ों की थी। हाँ, मगर उसकी अकेले की नहीं थी, उसके परिवार वाले भी उसके साथ उसमें मालिक थे। अच्छा, कौन कौन? रिश्तेदारों को मिलाकर करीब 30 लोग होंगे जिनका उस जमीन में हिस्सा है। इनमें से सबसे बड़ा हिस्सा किसका है? सबसे बड़ा हिस्सा दिवाकर जी का ही था। उसकी मर्जी के बिना कोई भी वो जमीन बेच नहीं सकता था। करोड़ों की जायदाद थी तो कोई ना कोई तो बेचना चाह रहा होगा ना? हाँ, बेचना चाह रहा था। कौन कौन था? ये तो नहीं पता, लेकिन उन लोगों के बीच में काफी झगड़े हो रहे थे। आपस में झगड़े हो रहे थे, किस लिए? दिवाकर को जमीन से काफी लगाव था, वो उसे बेचना नहीं चाहता था। उस जमीन के पेपर्स दिखाना, किस रिश्तेदार को कितना हिस्सा मिलने वाला था, देखे जरा। जब 30 लोग एक साथ बोलने लगे कि इस प्रॉपर्टी में से हमें भी कुछ हिस्सा चाहिए और उस प्रॉपर्टी की वजह से खून हो जाता है, तो फिर ये खून किसी एक आदमी ने तो किया नहीं होगा। 30 में से 8-10 लोग तो मिले ही होंगे इस खून की प्लानिंग में। जब 8-10 लोग एक अंधेरे कमरे के कोने में बैठ के किसी की जान लेने की प्लानिंग कर रहे होंगे, तो उनमें से किसी के दिल में भी डर नहीं था कि वो पकड़े जाएंगे। और हम लोग यहाँ बाहर झोंक रहे हैं, मक्खियां मार रहे हैं, जी करता एक एक को लटका दो, मजाक है? एक शरीफ आदमी का खून कर दिया। और जितने लोग लाइन में खड़े हैं दिवाकर की प्रॉपर्टी के लिए, उनमें सबसे बड़ा हिस्सा इस नरेंद्र को मिलने वाला था। हिस्सा नरेंद्र को? हाँ। अच्छा, काम कहाँ करता है ये नरेंद्र? ओहो, तो ये चक्कर है क्या? वो कर का वेदी ऑफिस में, मतलब ये नरेंद्र दिवाकर के ऑफिस में काम कर रहा है। ऑफिस में बैठ के उस पर नजर रखे हुए था। ये सबसे बड़ा मोरा है इस खून की प्लानिंग में। ओहो, क्या हुआ फ्रेडी? बहुत चालाक है ये विनोद सर, बहुत चालाक है। हर चिट्ठी पे अलग अलग पोस्ट ऑफिस के स्टैंप लगे हुए, हर चिट्ठी अलग अलग पोस्ट ऑफिस से। अच्छा, और तो और सर, ना जाने क्या क्या लिखा है इन चिट्ठियों में। ये देखिए सर, और ये उसने अपनी माँ को लिखा है। मेरी चिंता मत करना, मैं फाल्गुन की तरह आलसी नहीं हूँ, दिग्विजय की तरह चुस्त हूँ। ऐसे कई नाम है इन चिट्ठियों में। इसमें लिखा हुआ है कि मैं जसलोक से तेज भाग सकता हूँ, अनुज की तरह धीमा नहीं। एक मिनट, अनुज, जसलोक, फाल्गुन, दिग्विजय, ये नाम तो मैंने आज ही कहीं पढ़ा है। कहाँ पढ़ा है? ओ, आज के अखबार में ही पढ़ा है। आज अखबार लाना निकल जरा सर। ये देखो, ये चारों क्रिकेट खेलते हैं, रॉकी क्रिकेट क्लब के लिए खेलते हैं। मैं लगता है ये विनोद क्रिकेट का बहुत बड़ा दीवाना है। संडे को फाइनल मैच है, रॉकी क्लब फाइनल मैच में पहुंच गया है, बारमला स्टेडियम में फाइनल मैच। ये रॉकी क्रिकेट क्लब फाइनल में है तो हो सकता है विनोद फाइनल मैच देखने जाए बारमला स्टेडियम में। मैच संडे को है। संडे को है, तब तक इस नरेंद्र से मिल लेते हैं। दरवाजा खुला? नरेंद्र, 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 फ्रेडी जरा कमरे में चेक करो। छाती पे दो गोली मारी है। दिवाकर और उसकी पत्नी का खून बिल्कुल इसी तरह किया गया। लाश को पलटो धीरे से। पीठ पे कोई एग्जिट वाउंड तो है नहीं, मतलब गोली अभी भी शरीर के अंदर ही है। नरेंद्र ही है सर। हम तो सोच रहे थे कि दिवाकर का खून नरेंद्र ने किया है प्रॉपर्टी के लिए, लेकिन नरेंद्र तो खुद ही हमारा पड़ा है सर। हाँ बड़ी, नरेंद्र जी के स्टडी रूम में वैसे पेपर बिखरे पड़े जैसे दिवाकर जी के स्टडी रूम में बिखरे पड़े थे। ऐसे कौन से पेपर ढूंढ रहा है ये खूनी दिवाकर और नरेंद्र के घर में, जिसकी वजह से एक के बाद एक वो खून किया जा रहा है। सुबह के विनोद पेस बदल के भी आ सकता है, आंख कान खुली रखना।
खुली है ना? ऐसे भाई साहब, ना चश्मा और टोपी जरा निकालेंगे? क्यों? नहीं, आपका चेहरा देखना। मैं कोई हीरो हूँ क्या? नहीं नहीं, आपकी शक्ल मेरे बचपन के दोस्त से मिलती है, विनोद नाम है उसका। विनोद? याद है हम लोग बचपन में एक साथ खेला करते थे, पहचाना नहीं? जी नहीं, मेरा नाम आकाश है और मैं किसी विनोद को नहीं पहचानता। कहाँ भाग रहा है? छोड़ छोड़ छोड़े। अच्छा तो विनोद जी हैं? अबे पी रखी है क्या? हाँ तो क्या हुआ? मैं मैच देखने आया हूँ, मुझे मैच देखना है। हाँ मैच देखना है? मैं दिखाता हूँ तुझे मैच। मैं आप सबको माफ नहीं करूंगा कभी। आप लोगों ने क्रिकेट मैच देखने नहीं दिया, कभी माफ नहीं करूंगा आप लोगों को। हाँ तीन तीन खून करके बैठा है और मैच की पड़ी है ऐसे। तीन तीन खून क्या कह रहे हैं आप लोग? मेरा कलम मैच जीता कि नहीं? उल्लू के मेरे हाथ बंधे हुए हैं, नहीं तो भी बताता तेरा स्कोर क्या है। तेरा स्कोर तीन है, तीन 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 खून किए तूने, अफसोस नहीं है जरा भी? हाँ कह रहे हैं आप लोग तीन तीन खून, मैं तो सिर्फ चोरियां करता हूँ साहब। परसों टैक्सी ड्राइवर बन के गया था ना तू, जब दिवाकर और उसकी बीवी का खून हुआ? गया था कि नहीं? गया था ना? गया था। हाँ धोखा हुआ है मेरे साथ, मुझे धोखा दिया साहब, मुझसे कहा था सिर्फ माल लूटेंगे, मुझे क्या पता था कि वो लोग खून कर देंगे। एक बार तू सीआईडी के हाथों में फंस गया ना, अब बचना मुश्किल है। तुझे उन लोगों तक हमें पहुंचाना ही पड़ेगा, फिर चाहे तू चोर हो या ड्राइवर। वैसे तू कितना अच्छा बेटा है ये तुम्हारी माँ से हमें पता चली गया है। माँ से? हाँ। कौन है वो लोग? कौन है? मुझे नहीं पता कौन थे वो लोग, मुझे फोन आया था, कहा था कि काम होने के बाद माल आता था बांट लेंगे। फोन निकाल, अपने फोन निकाल निकाल। किस नंबर से फोन आया था? ये वाला नंबर तो साहब। 127। हेलो, ये कहाँ का नंबर है जी? क्या? ओके नहीं नहीं, मैं बाद में करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। कहाँ का नंबर है? रोडवेज डिपार्टमेंट का। रोडवेज का नंबर है सर ये? हाँ, ये नरेंद्र और दिवाकर दोनों रोडवेज डिपार्टमेंट में काम करते थे। कहीं इनकी मौत का राज इनके ऑफिस से तो नहीं जुड़ा हुआ है? कहिए किससे मिलना आपको? मिस्टर सुरेंद्र, हम लोग सीआईडी से हैं। आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर का खून हो गया है। बहुत बुरा हुआ। ये दिवाकर बैठा कहाँ था? उस टेबल पर। वेट, हम लोग उसकी टेबल की तलाशी लेंगे, अगर आप चाहे तो वहाँ पे खड़े होकर देख सकते हैं। इट्स ओके सर, मैं समझ सकता हूँ। दिवाकर की किसी के साथ अनबन या दुश्मनी? दुश्मनी तो नहीं थी सर, मगर मगर क्या? मगर सर लोगों का कहना है कि वो बेईमान ऑफिसर था। बेईमान ऑफिसर? जी सर, करप्ट, लोगों से रिश्वत लेके टेंडर पास करवाता था। दिवाकर रिश्वतखोर था? और नहीं तो क्या सर, देर रात तक ऑफिस में रहता था लोगों के चले जाने के बाद भी, और सर अपने कंप्यूटर को किसी को हाथ तक नहीं लगाने देता था। अब रात को 11 बजे कौन सी मीटिंग होती है सर, रात को तो गलत काम ही होते हैं। व्हाट नॉनसेंस, दिवाकर एक बहुत ही ईमानदार और मेहनती इंसान था, उसके खिलाफ मैं एक भी शब्द नहीं सुनना चाहूंगा। सीआईडी वाले सवाल पूछ रहे थे तो मैंने। आप? मैं दीपक, इस डिपार्टमेंट का हेड। ओह, तो आपको तो पता ही होगा कि दिवाकर ईमानदार था या बेईमान। बहुत ईमानदार था, देशभक्त था, वो कभी भी अपने फायदे के लिए देश का नुकसान नहीं कर सकता था। तो फिर ये मिस्टर सुरेंद्र जी क्यों कह रहे थे कि वो? दरअसल दिवाकर किसी से ज्यादा बातचीत नहीं करते थे, सभी से कटे कटे रहते थे, इसीलिए लोगों ने अफवाहें फैलानी शुरू कर दी। सर, मिस्टर दिवाकर के कंप्यूटर में से कुछ फाइलें गायब है, वो फाइलें कल रात ही किसी ने डिलीट की थी। ये कैसे पॉसिबल है, कंप्यूटर से फाइलें गायब है? सर लगता है दिवाकर के खून में किसी अंदर के आदमी का हाथ है। ये आप क्या कह रहे हैं सर? ये नरेंद्र भी इसी ऑफिस में काम करते थे ना? जी सर। कौन से टेबल पे बैठता था? इस वाली। जरा कंप्यूटर चेक करो। सर इनके कंप्यूटर से भी कुछ फाइल्स गायब है। इसका मतलब है दिवाकर और नरेंद्र के खून के पीछे प्रॉपर्टी का चक्कर नहीं है,
खूनी शायद किसी ऐसे पेपर के तलाश में आया था जिसका संबंध इस ऑफिस से है। सर अगर ऐसा है तो हमें फौरन इस ऑफिस के लोगों को होशियार कर देना चाहिए सर, कहीं और लोगों ने मारे जाए। नहीं फ्रेडी, इन्हें होशियार कर देंगे तो खूनी होशियार हो जाएगा। पर सर अब हमारा प्लान क्या है? खूनी को पेपर की तलाश है और हमें तलाश है खूनी की। ये पेपर खूनी के हाथ लगने से पहले किसी तरह हमें मिल जाए तो खूनी अपने आप हमारे कब्जे में होगा। प्लान तो A1 है सर, मगर वो पेपर हमें मिलेंगे कैसे? दिवाकर के फाइल से। विवेक, दिवाकर और नरेंद्र के कंप्यूटर में जितने भी फाइल्स है और उनके ड्रॉअर में जितने भी पेपर्स है सब उठा लो। यस सर। इतनी खराब सड़कें, तो हाईवे नंबर 43 है। पिछले साल हमारी गाड़ी वहां पंचर हो गई थी इन्हीं गड्ढों की वजह से, और ये दिवाकर इसी हाईवे का इंजीनियर था। दिवाकर इतनी घटिया किस्म की सड़कें बनवाता था, देश के किसी नागरिक ने ही गुस्से में मार डाला होगा उसे। नहीं नहीं फ्रेडी, दिवाकर की वाइफ का भी खून हो गया है और नरेंद्र को भी मारा ना, क्यों मारा? ये खूनी कोई ऐसा आदमी है जिसका संबंध सड़कें बनाने से है। सर इसका मतलब खूनी कोई ऑफिस का ही है। हो सकता है। ये क्या क्या हुआ सर? ये दिवाकर तो इंजीनियर था ना, इसकी फाइल में ये कैसे पेपर है? इसमें लिखा है कि किस सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट किस कॉन्ट्रैक्टर को दिया जाए। सर इसका मतलब ये दिवाकर कॉन्ट्रैक्ट भी बनाता था और सड़कें भी। सर ये दिवाकर किसी के खिलाफ कोई खुफिया रिपोर्ट तो नहीं बना रहा था? हो सकता है, हो सकता है। ये सुरेंद्र बता रहा था ना कि ऑफिस खत्म होने के बाद भी घंटों दिवाकर कंप्यूटर के सामने बैठा रहता था, तो हो सकता है वो कोई खुफिया रिपोर्ट तैयार कर रहा हो इन रोड माफियाज के खिलाफ, ये जो सड़कें बनाने का कॉन्ट्रैक्ट लेते हैं और फिर उसमें हेरा फेरी करते हैं, और वही लोग रोडवेज के ऑफिस में गए थे और दिवाकर के घर में और नरेंद्र के घर में, मगर वो रिपोर्ट है कहाँ? सर कहीं ऐसा तो नहीं कि दिवाकर ने वो खुफिया रिपोर्ट किसी चिप पे तो नहीं छुपा दी? चिप का नाम सुनती चिप्स की याद आ गई सर। रेडी, खाने के अलावा तुम्हें कुछ सूझता नहीं? सॉरी। तुम ठीक कह रहे विवेक, हो सकता है वो रिपोर्ट किसी चिप में ही छुपाई गई हो। याद है केस में पेन ड्राइव को टॉय कार में छुपाया गया था, खिलौने वाली कार में? सही है। देखिए सर, दिवाकर की इस डायरी में बाकी के पन्नों पे काम की बातें लिखी, लेकिन इस पन्ने पे ये देखिए साइन बना हुआ है। ये निशान तो कहीं देखा हुआ लगता है। कहाँ देखा है? अरे हाँ, ऐसा निशान तो इस प्रीति के लॉकेट में बना हुआ था। उसका लॉकेट इसी आकार का है, तो हो सकता है वो चिप इसी लॉकेट में ही हो। मैं रोमा जी से पता करता हूँ। हेलो रोमा जी, मैं अभिजीत बोल रहा हूँ। आप प्रीति को लेकर ब्यूरो में आ सकती हैं? नहीं नहीं, कोई खास बात नहीं है, दरअसल हमें उसका लॉकेट चेक करना है। देखिए, शायद उसके लॉकेट में एक चिप छुपा के रखी गई है। और हेलो 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 रोमा, हेलो, क्या हुआ सर? लगता है रोमा के ऊपर हमला हुआ है, जल्दी चलो। गोपी 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 उस तरफ सर। ओह माय गॉड, ये क्या हुआ? कैसे हैं आप? सर उसे बचा लीजिए सर प्लीज। कैसे है ये गोपी और प्रीति कहाँ है? गुंडे गोपी और प्रीति को जिंदा नहीं छोड़ेंगे सर। माय गॉड, आपने उन्हें बता दिया क्या कि प्रीति के लॉकेट में चिप है? हाँ सर, मुझे बताना पड़ा, नहीं तो वो लोग हमें जिंदा नहीं छोड़ते। अगर इससे पहले वो लोग चिप निकाल पाते, गोपी प्रीति को लेके भाग गई थी सर। गोपी प्रीति को लेके भाग गई? ज्यादा दूर नहीं गए होंगे। निकल, इन्हें हॉस्पिटल पहुंचाओ जल्दी। यस सर। रुक, बोल रहे हैं, रुक जाओ। Yeah.
बच गई। रो मत। भाई बच्ची भाग रही है भाई। बच्ची पे गोली चलाता है। देखो बेटा सर, प्रीति को बचा लीजिए, उसे कुछ नहीं होना चाहिए। प्रीति को कुछ नहीं होगा और तुम्हें भी कुछ नहीं होगा। तुम बहुत बहादुर बच्ची हो, बहादुर बच्चों को कुछ नहीं होता। विवेक हॉस्पिटल लेके जाओ जल्दी। कुछ नहीं होगा तुम्हें, हम लोग आगे। बच्ची को कुछ नहीं हुआ, बच्ची सही सलामत है। लॉकेट ये है बच्चे जिसके लिए इतना बवंडर मच रहा है। लो भाई चिप तो मिल गई, देखें इस चिप में क्या छिपा हुआ है। दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। पानी आ गया सर मुंह में। मैं आपसे विनती करता हूँ कि आप बार बार खाने पीने की बात मत कीजिए, मेरा यहाँ पे खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा। गलती हो गई भाई, तुम यहीं खड़े रहो। ओके, ये दिवाकर ने लिखा है कि उसके ऑफिस के कुछ लोग पैसे लेके सड़क बनाने का कॉन्ट्रैक्ट बांट रहे थे। पैसे लेके कॉन्ट्रैक्ट बांटते फिरते सर, ये सब पढ़ के तो खून ही खोल जाता है। जिसे देखो तेजद्रोही बना बैठा है। जिन्हें कॉन्ट्रैक्ट मिलता था घटिया क्वालिटी की सड़क बनाते थे। 6 महीने में सड़कें खस्ता हाल। अरे चोरों की लिस्ट भी है यहाँ पे, तो देखा सबसे पहला नाम इनका है। मगर पहला नाम इनका है तो फिर पहले इन्हें ही बधाई दी जाए। कौन है? अरे इतनी जल्दी है क्या भाई? अरे भाई आ रहा हूँ, भाई आ रहा हूँ। ओहो इतनी जल्दी है, कौन हो सकता है? आप लोग? साहब है घर में? हम लोग सीआईडी से हैं। जी देखता हूँ साहब, वो 1 घंटे पहले जाने वाले थे, अब शायद चले गए हैं। अब आप लोग यही ठहरिए, मैं बस देख के आता हूँ। अरे रामू ये क्या कर रहा है यार? अरे साहब जल्दी भागिए, पैर भागो पहले सीआईडी में। अरे सीआईडी जल्दी। ओलंपिक्स में जाना है? खिड़की से कूदने में गोल्ड मेडल, लोगों के पैसे चुरा के खाने में गोल्ड मेडल। हाँ छोड़ दे, तेरे अकाउंट में 50 करोड़ डलवा दूंगा। रोज जरा मुझे चल, तू भी क्या याद करेगा किस रही से पाला पड़ा तो तेरा। 50 करोड़ का झापड़ खाया कभी तूने? मैं ह्यूमन राइट्स वालों को बुलाऊंगा। हाथ है या हथौड़ा, कोई तरीका होता है थप्पड़ मारने का? जो पैसा सरकार सड़क बनाने के लिए देती है वो सब तुम्हारे जेब के अंदर। सड़क या तो है नहीं या सड़क के जगह पे गड्ढे है। जनता मरे या गड्ढे में जाए तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ता। क्यों? उसके ऊपर से खून भी करवाया दिवाकर का। ये तो दिवाकर को सोचना चाहिए था। क्या सोचना चाहिए था? उसने एक लिस्ट बनाई थी कौन ईमानदार है और कौन बेईमान, और तुम्हारा नाम बेईमानों के लिस्ट में होगा सबसे ऊपर। मेरा नाम लिखने की क्या जरूरत थी? तुमने उसे खरीदने की कोशिश नहीं की? बहुत की, मगर पत्थर का बना हुआ था वो, माना ही नहीं, उल्टा मुझे फंसाने की कोशिश कर रहा था। इसे तुमने प्लान बनाया कि दिवाकर को मरवा कर वो लिस्ट चुरा लेता हूँ। तो और क्या करता मैं? अगर दिवाकर को नहीं मारता तो मैं जेल में सड़ा रहता। जेल में तो तू अब भी सड़ेगा, फांसी का ऑर्डर आने तक। अब तबीयत कैसी है गोपी? बिल्कुल ठीक है साहब। ये बहुत बहादुर बच्ची है, ना इंजेक्शन से लड़ती है और ना ही दवाइयों से। आप इंजेक्शन और दवाइयों की बात करें डॉक्टर साहब, ये तो गुंडों और गोलियों से भी नहीं डरी, है ना गोपी? हाँ साहब। ये लो गोपी, ये फूल तुम्हारे लिए। तुम्हें फूल बहुत पसंद है ना? हाँ बहुत। कोई बात नहीं, मैं इसे प्यार देता हूँ। राइट, ये चॉकलेट खा सकती है? हाँ क्यों नहीं। एक्सक्यूज मी, आप बात कीजिए। नर्स प्लीज। गोपी को चॉकलेट्स पसंद है ना? हाँ।
ये लो चॉकलेट्स। क्या हुआ, रुक क्यों गई? प्रीति कहाँ है? ओ प्रीति, एक मिनट। प्रीति, ये रही प्रीति। प्रीति को देख के गोपी के चेहरे पे मुस्कान आ गई। आप दीजिए ना। मेरी छोटी बहन की तरह है। छोटी बहन की तरह नहीं, छोटी बहन ही है। आज से तुम दोनों एक दूसरे का परिवार हो। बिल्कुल सही कहा आपने। इसका मेरे सिवाय और मेरा इसके सिवाय कोई भी नहीं है। साहब, मैं बहुत मेहनत करूंगी, एक एक रुपए जमा करके प्रीति को पढ़ाऊंगी, डॉक्टर बनाऊंगी। डॉक्टर बनेगी ना मेरी प्रीति? सिर्फ प्रीति ही नहीं, तुम्हें भी पढ़ना लिखना है, जिंदगी में आगे बढ़ना है ना तुम्हें। पर साहब, मैं कैसे? आज से तुम लोगों की पढ़ाई लिखाई और परवरिश का खर्चा हम लोग उठाएंगे। जब तक तुम दोनों पढ़ लिख के अपने पैरों पे नहीं खड़ी हो जाती। सच? क्या मैं पढ़ पाऊंगी? हाँ, क्यों नहीं। मैं हमेशा से पढ़ना चाहती थी। क्या मैं सच में स्कूल जा पाऊंगी? ऑफ कोर्स, तुम स्कूल भी जाओगी, तुम यूनिफॉर्म भी पहनोगी और फ्रेडी अंकल तो तुम्हें पहचानेंगे ही नहीं। देखा आप लोगों ने कैसे एक 13 साल की बच्ची ने अपनी जान पे खेल के एक नन्ही सी जान बचाई। यही वीरता, यही बहादुरी अगर आप लोग अपनी जिंदगी में लाएं, तो अनेक जुर्म होने से रोक सकते हैं। इसलिए अभी से अपनी कमर कस लीजिए एक अपराध मुक्त समाज के लिए। अगर आप में से कोई भी कहीं पे गोपी जैसे कम उम्र वाले बच्चों को बाल मजदूरी करते हुए देखें, तो फौरन पुलिस को बताएं। आपकी थोड़ी सी जागरूकता किसी की जिंदगी बदल सकती है। सीआईडी के और भी मजेदार और सस्पेंस से जुड़े एपिसोड्स को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें।